नमस्कार, स्वागत है आपका टुडे साउथ पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पावर स्टार पुनीत राजकुमार जो हैं वो बिजी हैं अपनी फिल्म जेम्स को लेकर के, और उनकी एक फिल्म रिलीज होने के लिए भी तैयार है, युवा रत्ना। लेकिन इसके बाद वो अगली फिल्म कौन सी करेंगे, इस पर हर व्यक्ति कयास लगा रहा है, हर व्यक्ति जानना चाहता है कि कौन सी वो अगली फिल्म होगी जिसमें हमें देखने के लिए मिलेंगे ये बहुत ही धुरंधर कलाकार। आप अगर इनके काम से वाकिफ नहीं है, नॉर्थ इंडियन हैं आप, तो मैं आपको बताऊं कि नृत्य और एक्शन इन दो सीन्स में तो इनका कोई सानी ही नहीं है। आप इनकी कोई भी फिल्म देखें, अगर उसमें डांस एलिमेंट हो और एक्शन एलिमेंट हो तो आपका मन खुश हो जाएगा। उसके ऊपर से ये एक्टिंग में अलग अलग किस्म के अंदाज भी लेकर के आते हैं, हॉरर फिल्मों में भी काम कर लेते हैं, कॉमेडी में भी कर लेते हैं, और बहुत अच्छा इनका रेंज ऑफ परफॉर्मेंस रहता है। और इनके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि ये डी सत्यप्रकाश के साथ काम करने जा रहे हैं। डी सत्यप्रकाश को हमने रामा रामा रे और ओंडेला एराडेला को जो है डायरेक्ट करते हुए देखा था, और ये जो फिल्म जिसकी बात हो रही है इन दोनों के बीच में, इस फिल्म में थोड़ी सी फैंटेसी है, थोड़ा कमर्शियल एलिमेंट है, थोड़ी कॉमेडी है, और ये मेरे ख्याल से एक टोटल आउट एंड आउट एंटरटेनर करके लेकर के आई जा रही है इस फिल्म को। जैसे भी इसके बारे में और जानकारी मिलेगी हम आपके सामने जरूर लेकर के आएंगे। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा, क्योंकि हम दक्षिण भारत के सभी फिल्म इंडस्ट्रीज को कवर करते हैं। धन्यवाद।